गाइस देखो रेनबो दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। गया आ गया कैमरे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज मैं आया हूँ नेहरू स्टेडियम और आप देख रहे हो यहाँ पे मैच चल रहा है। हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए, क्रिकेट देखने सब आते हैं, हॉकी कम देखने आए हैं। गाइस एक टीम वहाँ वेट कर रही है और अभी इन लोगों का मैच है, इन लोगों के साथ आई थिंक, और एक मैच चल रहा है अंदर की साइड में और स्कोरिंग यहाँ से होती है। आप देख रहे हैं स्कोरिंग बोर्ड है, तो यहाँ से सारा टेक्निकल चीज यहीं से देखते हैं। मैं आपका क्या नाम है? हाय, कहाँ से हो आप? रांची से हो? जा धोनी जी है। जा धोनी जी है, किसको सपोर्ट करने आए हो? अपनी टीम को। हमारे टीम को बोलो, कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए हो? हाँ पापा जरूर खेल रहे होंगे। पापा खेल रहे हैं हॉकी? पापा खेल रहे हैं, पापा खेल रहे हैं। अच्छा पापा खेल रहे हैं, चलो हैप्पी लिखा है, खुश रहो। तो गाइस अब मैच स्टार्ट हो रहा है और उड़ीसा की टीम अंदर जा चुकी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उड़ीसा और रांची, तो अच्छा ये कॉपरेट मैच चल रहा है एक तरीके से, तो बढ़िया, लोग भी बड़े मज़ेदार है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ तो ऐसे भी जो 50 प्लस है, कुछ तो 60 प्लस की भी है जो अंदर खेलने गए हुए, तो ये बढ़िया। और मैंने सोचा था कि आज ब्लॉग नहीं करूँगा, आज इन्जॉय करूँगा, बट मैंने सोचा थोड़ा बहुत थोड़ा नया भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और देखो कितना बढ़िया वहाँ देख रहे हैं, आप पानी डाल रहे हैं अभी, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो क्या व्यू है, देखो गाइस ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली में ही देखने को मिलेगा ये। देखो चक दे इंडिया, अच्छे लोग है गाइस। मतलब अब इन लोगों से बात बात कर रहे थे तो मैंने वही डायलॉग मार दिया, 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट, आज नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसे खेलना है, द बेस्ट। तो गाइस ये मैच चल रहा है यहाँ पर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। ओ भाई देखो रेनबो, गाइस देखो रेनबो दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। गया आ गया कैमरे में। ओ भाई ये तो इधर आ रहा घूम के। चलो अब जा रहे गाइस बाहर, ये देखो कितना बढ़िया है, कितना सही लग रहा है यार एंट्रेंस ऐसे। गाइस यहाँ पे बाहर आ गए, अब हम दिल्ली में जब भी हॉकी का मैच होता है तो इधर ही होता है, और एक दिन मेरा मन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने का ना, तो मज़ा आता होगा, तब मज़ा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने का मज़ा ही अलग है। तो एक बार यार क्रिकेट मैच का भी देखने का मन है ना कभी यार, आईपीएल जा चुका हूँ, आईपीएल आईपीएल आईपीएल। वो देखो नोएडा की गाड़ी जा रही है आगे। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे गलत जगह पार्किंग होती है ना तो ऐसे भी उठाया जाता है, वैसे पता नहीं क्यों उठा रहे, पता नहीं। ये देखो गाइस ऐसे उठा लेते हैं दिल्ली में, अगर आप गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करोगे, छोड़ रहे हैं उठाने की जगह, उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, उठा के यहाँ रखा जाता है, देख लो अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाए। अगर आप यहाँ पे ऐसे पार्क करोगे ना तो ऐसे लॉक लगा देते हैं। क्या मार्केट है ऐसे, देखो यहाँ पे भी आप लोगों को कपड़े मिल जाएंगे, देखो ये सारा मार्केट है यहाँ पे, आपको कपड़े जूते सब मिल जाएंगे, सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। अरे बस वाले कहाँ घुसेड़ते रहते हैं, ऐसे ले जाते हैं दिल्ली में उठा के, देख रहे हो अगर आप कहीं पे भी पार्क करोगे ऐसे। सो गाइस ये है बहुत फेमस जैन चावल वाले, यहाँ आपको आपको हर तरीके के खाने मिल जाएंगे। और ये देखो मार्केट है सारा, और यहाँ पे आपको 250 में मिल जाएगा, 150 में मिल जाएगा, बाप रे चले 100 रुपये में भी है। देखो गाइस 100 रुपये में भी भाई, 100 रुपये में मैं लूट मचा रखा है, चल 100 100 100 रुपये सर। ये देखो भाई ट्रैफिक कैसे लग गई यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पार्किंग है, अगर आप 2-व्हीलर में आओ तो यहाँ पार्क कर सकते हो, 4-व्हीलर के लिए उस साइड है, और ये सब आपको 200 250 100 रुपये में मिल जाएगा, सेंट्रल मार्केट में घूम रहे। सो गाइस भैया जी से हमने ले लिया ये बढ़िया वाला, देखो भैया देना इतना बढ़िया दिया, कितने रुपए का दिया बता देना भैया, कितने का दिया, 100 रुपीज का गाइस, ये 400 को 100 में दे दिया, देखना। तो आप जाके ले सकते हो इनसे, जब भी आ सकते हो सीपी में मिलेंगे, चलो बढ़िया लेना आप लोगों को, मजा आ गया ना, पहले ही ले लिया गाइस, ऐसा भी मिल जाएगा आपको 100 में जैसे इनने पहन रखा है। चलो भैया थैंक यू, यहाँ बुक मिल जाएगी, खाने की चीज मिल जाएगी, देखो जनपद चल रहेगा, जब आप लोगों को जनपद मार्केट दिखाते हैं। Oh,
सो गाइज ये है दिल्ली का जनपथ मार्केट और ये बिल्कुल कनॉट प्लेस के ऑपोजिट साइड पड़ता है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या गाइज, यहाँ पे आपको फैशनेबल कपड़े मिलेंगे स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे सरोजनी नगर है ना, उसी टाइप का ये मार्केट है। और यहाँ पे भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको बार्गेनिंग करनी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। सो गाइज अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और मैंने यहाँ पे अच्छी तरह शूट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मैंने जनपथ मार्केट का पहले भी एक व्लॉग बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। घूमते घूमते हम आ गए वापस सीपी में कनॉट प्लेस में और अभी हम बिल्कुल किया के शोरूम के बाहर है। आज हम जा रहे हैं गाड़ी लेने, आज ही बुक करेगा पीछे वाला लौंडा। और ये रहा किया का शोरूम। सो गाइस हम केएफसी गए थे बट केएफसी में सुकून नहीं मिला, हमें सुकून चाहिए। एक सीट खाली नहीं है तो हमने बोला यार हम पैसा सीट के दे रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास एक बहाना है कि सुकून नहीं मिला। पैसा नहीं है गाइस, आनंद पे जा रहे हैं, पैसा बहुत है, वहां भी पैसा है। ये जो चश्मा है ये रेबेन का चश्मा है गाइस, देखो कितना पैसा है मेरे पे। तो हम जा रहे हैं आनंद पे और ये आपके बिल्कुल जनपथ मार्केट के ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी चीज मिल जाएगी। नॉन वेज के लिए बहुत फेमस है, अगर आप वेजिटेरियन है तो प्लीज घर पे रहिए। नहीं दाल बाटी चूरमा भी है। दाल बाटी चूरमा भी है। और अब देखो ये है बिल्कुल, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो और गाड़ी उठ भी सकती है आपकी, आपकी ऑन रिस्क पे, ऑन योर रिस्क। तीन चार गाड़ी तो उठ भी गई और हम भी गाड़ी में आए हैं फॉर्च्यूनर पे। चलो शुक्र तो हमारी फॉर्च्यूनर भाई, मैं थार में आया हूं, मैं बीच में खड़ी कर इसकी किया ये खड़ी और मेरी फॉर्च्यूनर पीछे, थार इसकी इनकी थार मेरे फॉर्च्यूनर के अंदर है छोटी सी। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, कुछ जगह चेंज हो गई क्या यार, हम किधर आ गए? ओ भाई यार ये थोड़ी ना उधर जहां तुम आ गए हो। नहीं वो उधर है साइड से, उस साइड है वो। नहीं नहीं यार उधर नहीं, जनपद भाई ये नहीं है वो। गाइस हम भटक गए गलत जगह, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, उधर आ गए। कहां पे? ओ भाई हमारा पोपट हो गया गाइस, हम गलत जगह आ गए। तो गाइस हम फाइनली बाबा चिकन में आ गए और ये 1964 से है और अब हम अंदर जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो गाइस ये है सेटिंग अरेंजमेंट ऊपर, बाप रे स्टेज बहुत आ गए, सब आ गए, ये रहे बैठे हुए फोटो सेशन यहाँ पे। क्या यार हमेशा फोटो, और वहाँ पे मैच चल रहा है तो बढ़िया। देखो सेटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया, यहाँ पे ऑर्डर कर दिया मेन्यू। तो गाइस ये मेन्यू यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज है। ऑर्डर कर दिया ना भैया, हम मालिक का वेट कर रहे थे। चलो थैंक यू सो मच। ये हम लोगों ने तंदूरी चिकन ऑर्डर किया और भाई देखो ना मुंह में पानी आ गया से देखते ही। गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है तंदूरी चिकन डिस्ट्रीब्यूट। आराम से आराम, भैया ने हमें इतने प्लेट दे दिए, उनको लगा हम चार है जबकि हम तीन है। एक हमारी तनाई है, एक हमारी तनाई है। ये बटर चिकन है और भैया कह रहे हैं यहाँ का फेवरेट है। और ये हमारा नान, बटर चिकन और नान। तो आप लोगों का भी खत्म खत्म करके आप लोगों को मिलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने कर लिया है, अच्छी तरह खा पी लिया है। आप लोगों को ना नोएडा में मिलूंगा, अब सीधा घर पे ही मिलूंगा गाइज। सो गाइज घर पहुंच गया हूँ, आज बहुत मजा किया, एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ और आप लोगों ने भी देख लिया होगा व्लॉग में। तो आज आप लोगों को पता चले गया कहाँ गया था मैं घूमने और बहुत पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। तो आज मैं डिनर विनर भी नहीं करने वाला हूँ, अब मैं आके सीधा सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड गुड नाइट।